एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, हिंदू एक व्यापक शब्द है, इसमें सब समाहित है। उन्होंने कहा, सरकार विकास के कामों के लिए कर्ज ले रही है, आईफा अवार्ड जैसी गतिविधियों के लिए नहीं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा, वर्तमान वित्तीय स्थिति और कोरोना संक्रमण काल में भी विकास प्रभावित ना हो, इसीलिए हम कर्ज ले रहे हैं, ना कि आईफा अवार्ड जैसी गतिविधियां करने के लिए। उन्होंने कहा, हिंदू एक व्यापक शब्द है, इसमें सब समाहित हो जाते हैं। जैसे ही हिंदू की बात आती है तो कांग्रेस के लिए तुष्टीकरण करना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए वे जातियों में बांटने की बात करती है। देखिए, दो तरह की बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए कर्ज लेती है, कांग्रेस कर्ज लेती है तो आईफा अवार्ड के लिए लेती है। ये दो बातें अलग अलग हैं। कोरोना काल, संक्रमण का काल और ऐसे समय में वित्तीय स्थिति के कारण से विकास प्रभावित न हो, ये हमारी प्राथमिकता है। तो उमंग सिंगार की अपनी बात नहीं है, ये कांग्रेस की बात है। वो जातियों में देश को बांटना चाहती है। हिंदू एक व्यापक शब्द है, इसमें सब समाहित हो जाते हैं। जैसे ही इसमें सब समाहित होते हैं, कांग्रेस की दुकान बंद हो लेती है। उनकी दुकान तो तुष्टीकरण से चलेगी या विभाजन से चलेगी। जब देश के विभाजन में नहीं चूकते लोग बाग, तो इसमें क्यों चूकेंगे वो? ऋषि, ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें जिंदगी के सभी खतरों से बचाना है। फिर तो मेरी लाइफ खतरे में है, क्योंकि जो कॉकरोच से डर जाए वो मेरी क्या रक्षा करेगा? वेल, कॉकरोच छोड़कर तुम्हारी पूरी लाइफ एकदम सिक्योर है। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। फॉरएवर वाले रिलेशनशिप से पहले LIC। अनन्याश्चिन्तयन्तो ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आपकी सुरक्षा और समृद्धि है हमारी जिम्मेदारी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज।